Hello friends, and welcome to my YouTube channel Simply Stocks. And today I'm going to talk about dilip buildcon, ek aisa share jisne kafi paisa dubaya hai share dharakon ka. To aaiye jane aisa kyun hua. Let's get started. First of all, a disclaimer that this is not a stock recommendation. People taking any position into any stock that I talk about should do that with their own due diligence and research, and I am not in favor of any company that I talk about. और अब बात दिलीप बिल्डकॉन के बारे में. ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1987 में और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने का काम करती है. It claims to be the largest and fastest growing road company, road infrastructure company. ये इनकी वेबसाइट पे है. They deal in roads, highways, metros, mining, urban development जैसे प्रोजेक्ट्स में ये डील करते हैं. और इनके पास मेजर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं. अगर इनकी फाइनेंशियल्स पे ध्यान दिया जाए तो इनकी फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा. सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है FY19 में, FY18 के कंपैरिजन में, अगर 6 महीने के रिजल्ट्स देखे जाएं. उसी तरीके से EPS ग्रोथ रही, रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं. रिजल्ट्स के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 2015 में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी, हालांकि लिस्टेड नहीं थी. इनको मेट्रो के प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली में, और रोड प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मिल रहे थे करंट BJP गवर्नमेंट के आने के बाद. 2016 में ये कंपनी लिस्ट हुई 250 से 300 के बीच में, आई थिंक 270 के आसपास इसका लिस्टिंग प्राइस था. और कंपनी का जो स्टॉक है वो 1200 से 1250 तक चला गया. उसका रीज़न ये था कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन रह रहे थे कंपेयर टू अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज ऑफ डेट. इस कंपनी की उतनी ज़्यादा डेट नहीं है तो कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही थी और उस हिसाब से उसे वैल्यूएशंस भी मिल रहे थे. लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं रहा है. रिलेंटलेस फॉल आ रहा है स्टॉक में. करेंटली इट हैज़ लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स वैल्यू. जो पीक वैल्यू थी वहाँ से 1250 के आसपास की वैल्यू, मार्केट कैप रिड्यूस होके 5000 करोड़ हो गई. बहुत कॉरपोरेट इश्यूज़ हुए कंपनी के साथ, उस वजह से ये चीज़ हुई. जिसे कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इशूज़, वो इस कंपनी के साथ जुड़े रहे. और हैवी सेलिंग रही बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा पिछले 3 से 6 महीनों में. उसका रीज़न क्या रहा वो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है पिछले 6-8 महीनों में. तो रीज़न्स फॉर डिक्लाइन इफ़ यू लुक एट, सबसे पहला रीज़न रहा कि अगर आपको याद होगा कि एक पूरी वेव आई थी जब ASM स्टॉक्स की लिस्ट जारी हुई थी और बहुत सारे स्टॉक्स एडिशनल सर्वेलेंस में लगाए गए थे. उसमें दिलीप बिल्डकॉन का भी नाम काफ़ी आगे था और जैसे ही वो ASM स्टॉक में आई तो स्टॉक पिटना शुरू हो गया. और ये भी बात आने लगी कि ऑडिटर्स कंपनी के रिज़ाइन करने वाले हैं. आपको याद होगा मनपसंद बेवरेजेस का एक इशू हुआ था और ऐसी करीब 8-10 कंपनीज़ में ऑडिटर्स रेजिग्नेशन स्ट्रेट अवे हुए थे विद इन अ क्वार्टर. उसी दौरान दिलीप बिल्डकॉन में भी ये खबर आई, मैनेजमेंट ने उसे डिनाई किया, बाद में ऑडिटर्स ने रिज़ाइन नहीं करा कम. लेकिन स्टॉक में डेंट पड़ चुका था उस रूमर की वजह से. देर वॉज ऑल्सो कंसर्न ओवर श्रेम इंफ्रा, एक कंपनी है, देयर एबिलिटी टू फंड एसेट सेल. एसेट सेल होने वाली थी दिलीप बिल्डकॉन में और इनकी ही एक सब्सिडरी कह लीजिए या इनकी एक कंपनी श्रेम इंफ्रा उसको आगे बढ़ाना चाह रही थी. लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे थे कि उसको फंड कर सके इनके एक एसेट सेल को, वो उसमें डाउट लग रहा था लोगों को और इस वजह से भी कंपनी में स्टॉक में सेलिंग हो रही थी. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया था और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उस रेजिग्नेशन की वजह से ये लग रहा था. ये कुछ उसी वक्त हुआ था कि जब ऑडिटर्स के रेजिग्नेशन और
ऐसी बातें चल रही थी कि ऑडिटर भी रिज़ाइन कर रहे हैं, तभी सीएफओ ने रिज़ाइन किया था, तो ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना हो रिजल्ट्स में या नंबर्स में। देयर वाज आल्सो कंसर्न्स ओवर एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स और मार्जिन्स, ऐसा लग रहा था कि उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगी कंपनी जैसे पहले हो रहा था, और प्रॉफिट मार्जिन्स में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि बाद में आप रिजल्ट्स भी देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं कंपेयर टू व्हाट द रूमर्स वर। लेकिन अब इस कंपनी में करना क्या चाहिए? स्टॉक जो कि 1250 से टूट टाट के अब 370 380 पे पहुंच गया है। अवॉइड करें ऐसी कंपनीज में जिसमें थोड़ा भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आपको सामने दिखता है। अगर आपने लिया हुआ है और आप लॉस में हैं तो होल्ड करें, डेवलपमेंट्स पे ध्यान दें, और अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं तो होल्ड करें, अगर थोड़े लॉस में हैं तो यू नीड टू गेट आउट। 5 6 6 साल का व्यू रखिए। ऐसी कंपनीज़ को टर्न अराउंड होने में टाइम लगता है। जो जो कंपनीज़ जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ आने लगते हैं या इंटेग्रिटी के इशू होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है रिकवरी में, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि रिकवरी आएगी कि नहीं। तो अगर आपका 15 से 20% तक का भी लॉस है तो मेरा आपको सजेशन होगा कि यू नीड टू शिफ्ट टू सम अदर पोजिशन। यू कैन ईजिली मेक 20-25% इन अदर पोजिशन ओवर 1 or 2 years rather than to sit with dilip buildcon for 5 years or more। इसीलिए ध्यान रखा करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनीज़ में चाहे वो कितनी ही गिर गई हो शेयर, उसे ना लें। वो बॉटम उस शेयर का नहीं होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी 99.9% टाइम्स कभी भी बॉटम नहीं फाइंड आउट करके ले सकते हैं। कोई किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी अगर आप ऐसा शेयर लें जो मिड कैप या स्मॉल कैप में आता है, या इवन लार्ज कैप भी है, तो लार्ज कैप में भी 10% से ज़्यादा एक्सपोजर ना रखें, और मिड और स्मॉल कैप है तो 5% से ज़्यादा एक्सपोजर ना रखें, ताकि ऐसा एक्सीडेंट हो तो आपके पोर्टफोलियो पे 2-3% से ज़्यादा का इफ़ेक्ट ना पड़े। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। होपफुली आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो इन अ शॉर्ट वाइल। आई एम गोइंग ऑफ फॉर सम डेज बिकॉज ऑफ सम वर्क, लेकिन जल्दी ही मैं अपने वीडियोज़ के साथ लौटूंगा, प्रोबेबली 3 से 4 दिनों में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई वीडियो स्ट्रेट अवे व्हेन आई पोस्ट इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।